पटना में 3 दिनों का वैदिक सम्मेलन हो रहा है और पूरे देश से कई राज्यों से यहाँ पर वेदाचार्य पहुँचे हैं, मणिपुर से भी वेदाचार्य पहुँचे हैं और हमारे साथ 2 वेदाचार्य हैं। आप देख सकते हैं प्रवीण कोइराला जी हैं और पूरन जी हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हैं। सर ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत कार्यक्रम जो यहाँ चल रहा है, अभी जैसे राज्यपाल जी ने कहा और माननीय यहाँ के जो पटना के महावीर मंदिर के जो समिति है उन्होंने कहा कि जो वहाँ मणिपुर में वेद विद्या का जो प्रचार चल रहा है उसके लिए संरक्षण हम यहाँ देंगे, तो हम लोग आश्वस्त हैं कि जो मणिपुर जैसे प्रांत में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए भी हम लोगों के साथ सनातन धर्म के साथ यहाँ के लोग भी हमारे साथ हैं, इसको देखते हुए एक मन में आश्वस्तता जगती है कि कहीं ना कहीं एक सत्य को मार्ग को लेते हुए हम लोग चल रहे हैं और सनातन धर्म का ही विजय होगा और सत्य की ही विजय होगी, ऐसे हमें आशा है। मणिपुर में क्या हालात लग रहे हैं? देखिए उसको बोलने के लिए तो वो एक जातीय का हिंसा चल रही है जिसको लेकर के कुछ बोल पाना अभी जो हम लोगों के लिए कठिन है कि उस क्षेत्र से हम लोग नहीं है, अपना विषय जो है भिन्न बन जाता है, तो पठन पाठन का जो क्रम है उसमें भी काफ़ी बाधाएं आई हैं। बीच में लगातार 2 महीने अपना पाठशाला बंद रहा हिंसा के कारण, अभी हिंसा जारी है, फिर भी जो है किसी कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग पाठशाला को जारी कर रहे हैं, अध्ययन का क्रम बाधित न हो बच्चों का, उस क्रम में पाठशाला को जारी रखे हुए हैं। गड़बड़ कहाँ हो गई? अब उसमें तो ये देखिए वो मामला जो है, देखिए वहाँ के लोग समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सरकार उसको संभालने की स्थिति में लगे, कहाँ गड़बड़ है वो भी बता पाना अभी हमारे लिए मुश्किल है। क्या लगता है वहाँ जो आप लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ परेशानी हो रही है वेद विद्या में प्रचार प्रसार में, क्या क्या सिचुएशन देखते हैं? उसके लिए देखिए बहुत सारी सिचुएशन है कि देखिए एक तो मणिपुर कहा जाए को एक आदिवासी क्षेत्र इस तरीके से कहा जा सकता है, तो उसको लेकर के कुछ कह पाना भाई हमारे लिए थोड़ा कठिन है। हमारे साथ पूरन, तो आपने देखा कि किस तरह की परिस्थितियां हैं मणिपुर में और 2 वेदाचार्य यहां पर पहुंचे हैं और वेद से जुड़े मसलों पर यहां पर चर्चा होगी। स्वाभाविक तौर पर एक हालात निकल कर ऐसे आए हैं जिसमें वेदों की प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ गई है और ये कोशिश की जा रही है कि बिहार में भी एक अच्छा सा वेद का केंद्र हो ताकि यहाँ भी वेदों का प्रचार अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पर श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।